2 मिनट पहले इतनी भयंकर खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री का एक्सीडेंट होते ही भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। अभी की दर्दनाक खबर। साथियों बता दें कि अभी अभी अचानक साथियों एम्बुलेंस बुला ली गई है, भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, मुख्यमंत्री की पूरी पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी है। ऐसी एक दर्दनाक खबर निकल कर सामने रही जहाँ पर मुख्यमंत्री का भयंकर भीषण एक्सीडेंट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बुरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथियों आपको बता दें कि अभी की इस वक्त की खबर, मुख्यमंत्री अब गाड़ी में सवार होकर साथियों जा रहे थे, इसी बीच उनकी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा नील गाय को अचानक सामने आने से हुआ है। हादसे में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए हैं। वही हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा है कि आज हिसार जाते समय मेरा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, लेकिन ईश्वर की कृपा व आप लोगों की शुभकामनाओं से मैं स्टाफ पूर्ण रूप से सुरक्षित है, मैं आगे के सभी तयशुदा कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री बाल बाल बचे, खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जी हां साथियों, भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, उनकी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे थे। हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दूसरी गाड़ी के गिराए गांव के एक कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं हादसे के वक्त पूर्व सीएम के साथ गाड़ी में पूर्व मंत्री जयप्रकाश, वीरेंद्र सिंह, धर्मवीर गोयत, नरेश सहलवाल भी थे, जिनमें से किसी को चोट नहीं आई है। ये बेहद दर्दनाक खबर निकलकर सामने हरियाणा से आई है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू।